प्यास नहीं, सुख दुख बस ये अनुभव की चीज है। तो परमात्मा भी अनुभव रूप है, वो दृश्य रूप में नहीं है, व्यक्ति नहीं, क्या है? शक्ति। अब उस शक्ति का हम कैसे विचारेंगे? आंखें बंद करो, कोई आंखें नहीं खोलेगा, सीधे बैठोगे, जो मैं बोलूंगा वही बोलना और साथ साथ चलाना। परमात्मा को मंदिर में मत बिठाना, मूर्ति में मत बिठाना, चित्र में मत बिठाना, साथ साथ चलाना। जब मैं उठती हूँ, जब मैं उठती हूँ, परमात्मा ही मेरे में उठते हैं, परमात्मा ही मेरे में उठते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह हमारा मुर्दा शरीर, यह हमारा मुर्दा शरीर कभी भी नहीं उठ सकेगा, कभी भी नहीं उठ सकेगा। जब मैं चलती हूँ, जब मैं चलती हूँ, परमात्मा ही मेरे साथ चलते हैं, परमात्मा ही मेरे साथ चलते हैं, परमात्मा ही मुझे चलाते हैं, परमात्मा ही मुझे चलाते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह मुर्दा शरीर, यह मुर्दा शरीर न उठ सकेगा, न उठ सकेगा, न चल सकेगा, न चल सकेगा। जब मैं देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ, परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह मुर्दा शरीर, यह मुर्दा शरीर न उठ सकेगा, न उठ सकेगा, न चल सकेगा, न चल सकेगा, न देख सकेगा, न देख सकेगा। जब मैं बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं, परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह मुर्दा शरीर, यह मुर्दा शरीर न उठ सकेगा, न उठ सकेगा, न चल सकेगा, न चल सकेगा, न देख सकेगा, न देख सकेगा, न बोल सकेगा, न बोल सकेगा। जब मैं सुनती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं, परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह मुर्दा शरीर, यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं सुन सकेगा, कभी भी नहीं सुन सकेगा। जब मैं काम करती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं, परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह मुर्दा शरीर, यह मुर्दा शरीर कुछ भी नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब मैं खाती हूँ, जब मैं खाती हूँ, परमात्मा ही मुझ में खाते हैं, परमात्मा ही मुझ में खाते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह मुर्दा शरीर, यह मुर्दा शरीर न खा सकेगा, न खा सकेगा, न चबा सकेगा, न चबा सकेगा, न चाट सकेगा, न चाट सकेगा, न पी सकेगा, न पी सकेगा। परमात्मा की शक्ति पाकर ही, परमात्मा की शक्ति पाकर ही, यह जीवात्मा, यह जीवात्मा चार प्रकार के अन्नों को पचाता है, चार प्रकार के अन्नों को पचाता है, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह कुछ भी खा पी नहीं सकेगा, यह कुछ भी खा पी नहीं सकेगा। जब मैं सोती हूँ, जब मैं सोती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सोते हैं, परमात्मा ही मुझ में सोते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह मुर्दा पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, यह मुर्दा पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, किंतु सोकर उठ नहीं पाएगा, किंतु सोकर उठ नहीं पाएगा। जब मैं उठती हूँ, जब मैं उठती हूँ, परमात्मा ही मुझ में उठते हैं, परमात्मा ही मुझ में उठते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, यह मुर्दा शरीर, यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं उठ सकेगा, कभी भी नहीं उठ सकेगा। अब मैं आधा बोलूँगा, आधा तुम जवाब देना। जब मैं चलती हूँ, परमात्मा ही मुझ में चलते हैं, जब मैं देखती हूँ, परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, निश्चय करके रखना, ऊपर ऊपर से मत बोलना। जब मैं सुनती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं, जब मैं काम करती हूँ, परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं, जब मैं खाती हूँ, परमात्मा ही मुझ में खाते हैं, जब मैं पीती हूँ, परमात्मा ही मुझ में पीते हैं, जब मैं सोती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सोते हैं।
जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। अब आंख खोल दो। अगर वो न उठे, अभी तुमने क्या बोला कि जब मैं उठती हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, और जब मैं चलती हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, जब मैं सुनती हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, जब मैं बोलती हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, और जब मैं खाती हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, और जब सोती हूँ तो परमात्मा ही मुझ में, उठती हूँ तो परमात्मा ही मुझ में। सारे काम तुम्हारे कौन कर रहा? परमात्मा। और तुम अहंकार करते, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अरे मुर्दे के पास भी तो सब हाथ पाव है, वो क्यों नहीं करता है? वो क्यों नहीं उठता है? वो क्यों नहीं बोलता है? वो क्यों नहीं चलता खाता पीता है? तुम क्यों बोलते चलते खाते पीते हो? क्योंकि तुम में चैतन्य का संबंध है कि टूट गया है? तभी तो ये सब सुन भी रहो, बोलो अभी जा रहे हो। तो फिर मंदिर क्यों झक मारने जा रहे हो? मंदिर क्या रोने जा रहे हो? बोलो मंदिर में क्या है फिर? सब तो तुम्हारा हगना मुकना कहो, सोना जागना कहो, खाना पीना कहो, उसके द्वारा कौन सा ऐसा काम है जो उसके बिना कर रहे हो? कोई भी नहीं। कोई तो बता दो, छुपके कर लिया भगवान के बिना, चेतन के बिना है कोई? तो सारे काम अच्छे बुरे उसी से हो रहे, और तुम जा रहे हो तीर्थ में मर रहे। इसलिए अपने अंदर उस चेतन सत्ता को स्वीकार करो, जिसकी वजह से तुम यहाँ तक भी आए हो और घर तक भी जा रहे हो। और नारायण का प्राण यही निकल जाए तो अब इसके घर वाले उठाने आएंगे कि तुमको उठा के पहुंचाना पड़ेगा? कि यही बोलते बोलते इसके प्राण निकल जाए, ये उठ पाएगा? चल पाएगा? क्योंकि वो जो चेतन है उसका संबंध टूट गया, फ्यूज हो गया, बल्ब बिजली का संबंध टूट गया। बिजली तो है पर बल्ब फ्यूज हो गया, फिलामेंट टूट गया। तो ऐसे ही हमारा प्रारब्ध का फिलामेंट टूट गया। चेतन तो वही है, वो कहीं गया आया नहीं है। बिजली वही है, उसी लाइन में, उसी तार में, उसी होल्डर में। ये सब बातें मैं प्रैक्टिकल क्लास में बताता हूँ। आपका पुण्य होगा तो 3 अप्रैल से क्लास है वो, यहाँ एक क्लास। तुम अपने संबंधियों को भी बताओ, अरे लोग पुराण गप वो गप है पुराण कहो बस करवाते हैं, 2-4-5 लाख रुपया भी खर्च करते हैं पुराण कथा के लिए, और अपने जाति बंधु रिश्तेदारों को बुलाते हैं, रखते हैं खाने पीने की उनकी व्यवस्था तक करते पुराण की कथा। तो तुम इस जीवित मुक्ति दिलाने वाले इस ब्रह्म ज्ञान की क्लास में अपने जाति बंधु रिश्तेदारों को भी खबर करके बुलाओ कि आओ, तुमने गीता तो बहुत सुनी है, शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, भागवत भी बहुत सुनी है, प्रवचन भी बहुत सुने हैं, पर ये 11-17 दिन की क्लास में बैठ कर जीवित अवस्था में मुक्ति का अनुभव करो, तो ऐसे ये भी तुम्हारे को पुण्य मिलेगा। ये भागवत कथा कराने वाले अपने जाति बंधु को क्यों बुलाते हैं? कि हमको भी पुण्य मिल जाए, उनका भी उद्धार हो जाएगा और उसका भी पुण्य मिलेगा। तो इसका तुम भी लाभ लो मुक्ति का, और अपने भाई बंधु जाति जो भी जिसका भी धर्म में रुचि है, सत्य में रुचि है, उसको बुलाओ और उसको भी इसका अधिकारी बनाओ। और मेरे द्वारा जो भी गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, कुछ कटु शब्द निकल गए हो, किसी को उससे बुरा लगा हो, तो उनके चरणों में मेरा नमस्कार है। सबके चरणों में मेरा नमस्कार है।